हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। जिस धन भाई खुदा के नाम को जलाल देते हुए आपकी खिदमत में बाइबल की नबूवत प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं जैसा कि माहौल यहाँ बना, पैम जी आगे क्या कहेंगे खूबसूरत। बिल्कुल, माहौल पे मैं बात आगे बढ़ाऊंगी कि माहौल बहुत खूबसूरत है, क्योंकि स्टूडियो में आज बहुत गर्मी थी, तो मैंने कहा सफर चले लंच भी लेते हैं बाहर और वहाँ जाके प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करते हैं। और बाइबल की नबूवत आज जैसे हम डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, मेरे सामने बहुत खूबसूरत झील है और सूरज है सर के ऊपर और खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो खूब आज बाइबल स्टडी का मजा आएगा। मैम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं आज, सही बात है, देख रहे हैं कि कितना अच्छा। ये गर्मी भी बहुत ज़रूरी है, हाँ जी, लेकिन इसमें ये है कि हवा भी चल रही है, चूँकि झील हमारे पास है और बड़ा अच्छा मौसम है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो हम क्यों ना आगे बढ़ें और इस प्रोग्राम को शुरू करें। जी प्लीज़, दुआ के साथ। जी हम दुआ करते हैं, अजीज़ बहन भाई खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करता हूँ अजीज़ बहन भाई, तो उसने हमें मौका दिया कि हम उसके नाम में खुदा के कलाम को सीख सकें, और आज जो बाइबल का नबूवत जो है प्रोग्राम उसको खुदावंद तेरे सामने रखते हैं, हमारी बड़ी मदद कर, परमजीत की और मेरी मदद कर, ताकि खुदावंद हम इस कलाम को जब खोलें तो एक एक लफ्ज़ जो है खुदावंद ये हमें नूर की तरह खुदावंद चमकता हुआ नज़र आए, और खुदा हमारी ज़िंदगी में भी नूर बन जाए, क्योंकि ये हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चराग है। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आप आगे आगे चलें और खुदा जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहा है खुदा बड़ी बरकत पाए। इस दुआ को आपने सुना है और कबूल किया अपने प्यारे मीठे यीशु नाम में, आमीन आमीन आमीन। जी बिल्कुल सफ़ाज, वक्त ना ज़ाया करते हुए ऐसे होता है ना, बिल्कुल, कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अच्छा तो आज मैं देखना चाहती हूँ कि जैसे हमें पता है कि खुदा यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, लॉर्ड जीसस इज़ कमिंग बैक वेरी सून, और इस पर हमने बहुत सारी पहले भी बात करी है, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि ये मेरे दिल पे आ रहा है कि हमें याद कराया जाए कि खुदा ने कहा कि वो इस ज़मीन पे बहुत जल्द वापस आएंगे, यानी कि वन डे ही इज़ गोइंग टू रिटर्न बैक टू दिस अर्थ। और ये बात तो कहते हैं कि क्रिस्टल क्लियर हमें अगर मत्ती रसूल की अंजील उसके 24 बाब और उसकी 36 आयत में देखें तो हमें जो है ये बात पता चल जाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान जो है डेट नहीं सेट कर सकता, क्योंकि जो प्रोफेसिस भी हो रही हैं, बाइबल प्रोफेसिस स्कॉलर भी हैं, वो कहते हैं कि कभी भी किसी इस चीज़ पे डेट नहीं सेट करना, कोई इंसान नहीं बता सकता कि कितने बजे और कौन सी घड़ी और कौन सी डेट पे जो है जीसस वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने आना ज़रूर है। लेकिन ये गलती बहुत सारे लोगों ने की भी है पास्ट में और यू नो ठोकर का बायस भी बने हैं, लेकिन लेकिन हमें जो है डेट नहीं सेट करना, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखेंगे कि जो है जीसस जो है डेफिनेटली एक दिन वापस आने वाले हैं। तो अजीज खान भाई हम चलते हैं मैथ्यू की जो मत्ती की इंजील है उसका 24 बाब और उसकी हम 36 शायद पढ़ते हैं, तो उसमें क्लियर कट ये जो अल्फाज हैं ये खुदा यीशु मसीह के मुँह मुबारक से निकले हैं, ये किसी आम आदमी के नहीं, वो सच्चा और ज़िंदा खुदावंद है, और उसने जो कुछ कहा है वो सच कहा है, और जो कुछ कहा है वो हुआ है, हो रहा है और होगा। तो इसी प्रॉफेसी को जो उन्होंने ये नबूवत के अल्फाज हैं जो कुछ होना है खुदा यीशु मसीह ने जो कुछ कहा है, हम मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 36 आयत में पढ़ते हैं, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर सिर्फ बाप, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्न आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्न आदम का आना होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखते हैं कि ये बात बिल्कुल साफ़ और क्लियर है कि लॉर्ड जीसस एक दिन ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन हमें जो जानते हैं इस बात को वो किस तरह से जानते हैं, ना कोई किताब पढ़ के, ना किसी के लेक्चर को सुनकर, बल्कि क्योंकि उनके अंदर होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, उसके ज़रिए वो जानते हैं कि ये बात सच है कि जो जिसमें उन्होंने विश्वास रखा है, ईमान रखा है, जो बिलीवर हैं जीसस एज सेवियर मतलब अपने कबूल किया हुआ है, वो उस बात को समझते हैं कि ये जो वक्त है हमें ये पहचान दे रहा है कि यीशु का आना बहुत जल्द है। पहले तसलोकियाँ 1 थिस्सलुनियन चैप्टर 5 और वर्स 2
से लेकर 6 तक अगर हम देखें, जीसस जैसे आए थे, बेबी बन के आए थे, ठीक है, बेबी के रूप में इस दुनिया में आए थे, इंसान का रूप लेके आए थे, फिर उन्होंने अपनी जान दी, वो मर गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आसमान पे चले गए, और अपने उन्होंने डिसाइपल से, अपने चेलों से, अपने शागिर्दों से प्रॉमिस किया था कि वो वापस लौट कर आएंगे। तो हम जो बिलीव करते हैं जीसस में, एक दिन जीसस ने वापस आना है। तो तसलोनियों की किताब में सरफराज अगर आप पढ़ें, चैप्टर 5 वर्स 2-6। अच्छा, पहला तसलोनियों की, अजीज, जैसे आप देख सकते हैं ये पब्लिक प्लेस है, ऑफकोर्स बच्चे भी बाइक राइड कर रहे हैं, लोग गपशप भी कर रहे हैं, पिकनिक भी हो रही है, यू नो, खाना भी खाया जा रहा है, दोस्तों से मिल भी रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी कोई बात आपको सुनाई दे या शोर, तो आप समझ जाएंगे कि पब्लिक प्लेस है, जाहिर है कि फ्रीडम है सबको, तो हम अपने जो इस फ्रीडम का फ़ायदा उठा रहे हैं कि मुकद्दस कलाम पे गौर करें। एक पार्क है जिसमें खूबसूरत झील है, बड़े लोग यहाँ चलते फिरते नज़र आएंगे, हम इस फ़ायदा, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि हम इस खूबसूरत माहौल में खुदाम के कलाम को आप तक पहुँचाएँ। ये पहला तसलीकियों या पहला, हाँ जी, हाँ, चैप्टर कितना, 5 और उसकी 2-6 तक पढ़ेंगे, चैप्टर 5 उसकी 2। यहाँ यूं मरकूम है, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, हाँ, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह आमला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम आए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। आमीन, प्रेज़ द, जागते और होशियार रहना है, ठीक है। अगर सफर घर के मालिक को पता हो कि चोर आ रहा है तो वो तैयार होकर बैठेगा ना। बिल्कुल, तो इसलिए खुदा ने, जीसस ने कहा कि मैं चोर की मानद आऊँगा, उस वक्त आएगा जिस वक्त इंसान सोच भी नहीं रहे होंगे। लोग जो थे नो के वक्त में, जैसे शादियाँ कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, खा पी रहे थे, ऐश कर रहे थे, अच्छी अच्छी से अच्छी खुराक उनको मिल रही थी, तो लेकिन अचानक वो फंदे की तरह वो दिन आ गया। तो ये भी जो दिन है खुदा के कलाम में लिखा है कि इसी तरह से होगा। अब हमने देखना है कि साइंस क्या है, ऐसे कौन से इशारा हमें मिल रहा है जिससे हमें जाने कि जीसस सचमुच सेकंड टाइम वापस आएंगे, ठीक है, उन्होंने मतलब वापस आना है। तो ये जो है, ये मतलब बहुत सारे बाइबल स्कॉलर कहते हैं कि ये सीज़न है, जो जो जैसे सुनामी हम देख रहे हैं, कत्लोगारत देख रहे हैं, मारना, हर तरह का ख़तरा जो आम इवन पब्लिक प्लेसेस में भी लोगों को ख़तरा है, ये सारी निशानियां जो है जीसस के आने की तरफ इशारा करती हैं कि आखिरत में इस तरह की बेदीनी हो जाएगी, लोग मतलब इतने रब से दूर हो जाएंगे, खुदा से दूर हो जाएंगे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ख़राबी हमें नज़र आएगी। तो ये जो है सीज़न जो यीशु के वापस आने का शुरू हो चुका है, कोई शक नहीं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि हमारे पास बाइबल है, इसमें जो ओल्ड टेस्टमेंट है अगर आप उठाकर दिखाएं, जो पुराना ऑफकोर्स ये हिब्रू, जैसे हिब्रू है वो बैक टू फ्रंट पढ़ी जाती है, इसी तरह से उर्दू जो है, इसी तरह से जो ओल्ड टेस्टमेंट है इसमें सफरस, उसमें 500 प्रोफेसीज हैं, नीली 500 नबूतें इसमें हैं के, और जो न्यू टेस्टमेंट में है उसमें 25 वर्सेस अगर है ना, तो 25 वर्सेस में एक वर्स है जिसमें जीसस के आने की बात है, दैट जीसस इज कमिंग बैक। इसमें ये जो है प्रोफेसीज जो है इतनी ज़्यादा मतलब भरा हुआ है बाइबल के, निशान है हमारे पास कि जीसस बहुत जल्द वापस आएंगे। आज हम देखते हैं कि मत्ती रसूल की अंजील 24 बाब उसका 37 आयत में हम देखते हैं, हमने ये देखना है कि फिर क्या साइंस है ना, कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि वाकई कि ये वो वक्त आ गया है। और जैसे हमने पढ़ा है अभी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरा आना किस तरह से होगा, जैसे नोआ के दिनों में था, यहाँ खुदावंद ये कह रहे हैं कि मैं जल्द वापस इस दुनिया पे आ रहा हूँ, मैं तब आऊँगा जब ये दुनिया के हालात बहुत ख़राब होंगे। जैसे नोआ के दिनों में बहुत ख़राब हालात हो गए थे, सेम चीज़ जो है वो होगी, और खुदावंद ने कहा मैं उस वक्त आ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि बदी बढ़ जाएगी, खराबी बढ़ जाएगी, मोहब्बत नहीं रहेगी, दुश्मनी लोगों में होगी, बुराइयां होंगी, कत्लो गारत होगी, ये सारी चीज़ लोग अपने आप से प्यार करेंगे, अपने पैसे से प्यार करेंगे। जीसस कहते हैं उस वक्त नोआ के वक्त में भी ऐसा ही था, नूह के ज़माने में भी ऐसा ही था। तो वो कहते हैं खुदावंद ऐसा, क्योंकि जो इंसान का माइंड है वो शैतानी चीज़ों पर जकड़ा हुआ है, जो शैतानी चीज़ों पर यानी कि फोकस है। पहला दूसरा टिमोथियस, सेकेंड टिमोथी चैप्टर 3:1-4 अगर हम पढ़ें, तो अपोस्टल पॉल हैं जो हमें बड़ी डिटेल में इस बात की पहचान करवाना चाहते हैं कि वो किस तरह का वक्त होगा। सेकंड, हाँ जी, मतलब क्या कैसे लोग होंगे, क्या माहौल होगा। अपोस्टल पॉल जो थे वो जानते थे कि जीसस ने जो वादा किया है
कि मैं वापस लौट कर आऊँगा, तो इसका मतलब जो उस वक्त के ईमानदार थे उनको समझाना चाहते थे कि ये लाइटली बात नहीं लेना, अगर हमारे गुरु ने हमारे खुदाम ने कह दिया कि वो गए आसमान पे और जैसे गए वापस भी आएंगे, ठीक है। तो ये अपोस्टल पॉल थे जो बड़ी डिटेल में जो थे, जो ईमानदार थे उनको खबरदार करना चाहते थे और कहते थे पहचानो कि क्या होगा। तो पढ़ेंगे सेकंड टिमोथी चैप्टर 3:1-4। हाँ बिल्कुल, ऐसे यहाँ लिखा आखिरी जमाना के मुताबिक लिखा सेकंड टिमोथी और उसका 3 और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं। लेकिन ये जान रख के अखीर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज ज़र दोस्त शेखी बाज मगरूर बदगो माँ बाप के नाफरमान नाशुक्र नापाक तबी मोहब्बत से खाली संग दिल तोहमत लगाने वाले बेजब्त तुंद मिजाज नेकी के दुश्मन दगाबाज ढीट घुमंड करने वाले खुदा की नस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। इसको ज़रा हम थोड़ा सा खोलते हैं इस बात को कि बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं। अब हमने कैसे पहचानना है कि जीसस वापस आएंगे? सबसे पहले खुदावंद के खादिम में जो कहता है कि कैसे आखिरी वक्तों का वो मुश्किल का वक्त होगा, ठीक है। जो आखिरी दिन होंगे वो बड़े मतलब इम्तिहान के दिन होंगे, मुश्किल के दिन होंगे, और आप मेरी हेल्प करें आगे कि जो आदमी होंगे वो अपने आप से प्यार करेंगे। बिल्कुल, यहाँ बड़ी ज़रा पंजाबी में इसको डिफाइन कर दें प्लीज़। पैम बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि क्योंकि आदमी जो इंसान है भैनों भाई जिन्हें भी इंसान दुनिया च रेंदे ने उन्होंने बच्चों कई ज़्यादा लोग जड़े ने वो खुद गर्ज होंगे, यानी खुद अपनी गर्जा पूरिया करने वाले होंगे। लोगों की हेल्प करना वो पसंद नहीं करेंगे, हर कोई अपना अपना या मैम है रट ला के बैठा होगा। फिर कहते जर दोस्त होंगे, जर दोस्त यानी कोशिश करनी और मगरूर मगरूर होने घमंड होना चाहे होगा बदगो जेडे गल बात कर रहे हैं ना बद बुरी गल बदगोई माँ बाप दे नाफरमान इज्जत नहीं करते प्यार नहीं करते जो कुछ उन्होंने चाहिए वो दें दे नहीं यही लिखा कि माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे वो कहते ने ना शुक्रे होंगे रब का शुक्र नहीं करेंगे कि रब ने सानू सब कुछ दिता है सानू हर चीज़ दिती है जो सानू इस दुनिया च लियांदा तो साड़ियाँ जरूरत भी पूरिया की और वाफर ज़्यादा कीतिया वो जरिए यह होंगे कि तुम खुदा का शुक्र कर दे खुदा तेरा शुक्र पर लेकिन वो नहीं करने वाले होंगे आखिरी वक्त में जेडे ने अनग्रेटफुल होंगे, ठीक है। ते आगे लिखा है झूठियां गपशप मारने वाले होने नापाक नापाक लोग खुदा पाक है खुदा पाक लोगों को पसंद करता क्योंकि पाक लोग ही खुदा नु देख सकते हैं क्योंकि पाक खुदा पाक है। तो इतने लिखा है कि वो नापाक होंगे नापाकी होना चाहिए नापाकी नहीं गंदा मतलब कि गंदे कपड़े पाए दिल की नापाकी नापाक सोच नापाक ख्याल हर चीज जी नापाक हो सकती अंदर दिल नापाक हो सकता अगर तबई मोहब्बत से खाली तबई नेचर नेचर जी नेचुरली जो ने मोहब्बत अच्छी चीज नफरत करने वाले हाँ वो मोहब्बत करने वाले है खाली टोटली खाली ठीक है ही नहीं अच्छा। खाली होना अभी एक दाना भी मोहब्बत का नहीं होना ठीक है ना एक पॉइंट भी फिर लिखा है संग दिल होंगे सख्त दिल संग दिल दिल यानी संग दे संग कहते हैं पत्थर अच्छा पत्थर दिल हो जाए उन्होंने मतलब कि किसी इंसान के बारे में वो उन्होंने कोई प्यार नहीं उन्होंने कोई सोच नहीं है गरीबों के लिए यतीमों लिए बेकसान लिए बेवाह जड़ियाँ ने सेल्फिश बेसिकली कह लो के है ना और फिर कहंदे ने संग दिल तोहमत लगाने वाले हर वक्त तोहमत इल्ज़ाम लाना दूजे ते है ना ठीक है। अच्छा आगे हम देखते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि क्या हालात होंगे कैसे लोग होंगे कि जब जीसस वापस आएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास सफर कितनी एडवांस हो चुकी है
ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में जो था बाइबल क्या लिखती है कि ये भी आखिरी वक्त की निशानी होगी। कभी अब हम देखें कि इंटरनेट से हम यहाँ बैठे हैं, मेरे पास एक मोबाइल है, इसमें पूरी दुनिया है इसके अंदर, मैं किसी भी जगह किसी भी कोने पे अगर इंसान कोई मेरे जान पहचान वाले उनका मेरे पास नंबर है, मैं उनको फोन कर सकती हूँ, ठीक है, मैं इस पर वेदर चेक कर सकती हूँ, मैं लेटेस्ट जो ब्रेकिंग न्यूज अभी चेक कर सकती हूँ, मैं इन्फॉर्म कर सकती हूँ, मैं ईमेल भेज सकती हूँ। ये जो है ये टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है ये भी एक जीसस के सेकंड कमिंग वापस आने की निशानी है, क्योंकि जीसस ने बताया ये पहले डैनियल चैप्टर 12 वर्स 4 में हम देखते हैं कि खुदावन ने कहा कि आखिरी वक्त में जो है नॉलेज बढ़ जानी है, एक्सप्लोजन जैसे एक बम फटता है ना, इस तरह से टेक्नोलॉजी की एक्सप्लोजन हो जानी है। और ये कितने हजार साल पहले लिखा ये डैनियल की किताब 2400 बिल्कुल 2000 years ago 2000 तो खुदा किसी को हो गया, 1000 years डेविड को हो गए, ठीक है ना, 3000 तो ये साल हो गए, तो ये 3500 साढ़े तीन हजार साल पहले बाइबल में लिखा है कि जो सैटेलाइट टेलीविजन होगा, इंटरनेट होगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होगी, मेडिकल एडवांस हो जाएगी, और ये सारी रियलिटी आज हमारे सामने है। ठीक है, डैनियल चैप्टर 12 वर्स 2-4 में पढ़ सकते हैं हम, 12 और 4 में, लेकिन तू है डैनियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाना तक मोहर लगा दे, बतेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे, दानिश अफजू होगी, अकल जो बढ़ जाएगी, दानिश अफजू होगी, नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। फिर मैं दानियल ने नजर की और क्या देखता हूँ कि दो शख्स और खड़े थे एक दरिया के कि ये है कि आखिरी वक्त में जो है कम्युनिकेशन जो है बाइबल में लिखा है कि इंक्रीज हो जाएगा, लोग टेलीविजन सैटेलाइट इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अच्छा, फिर इसके बारे में जो है ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की हम बात करते हैं, जो न्यूक्लियर वॉर है आखिर में लगना है, जीसस ने लूका 21 में जो है बड़ी क्लियरली कहा है कि लोग आखिरी दिनों में कहते डर से बेहोश हो रहे होंगे, फेंटिंग विद फियर लिखा हुआ है कि वो बेहोश हो रहेंगे, क्यों, क्योंकि पावर्स ऑफ द हेवन विल बी शेकन, क्योंकि जो आसमान की कूवते हैं वो हिलाई जाएंगी, तो लोगों के दिल में क्या हो जाएगा, दहशत आ जाएगी, डर आ जाएगा, जीसस ने ऑलरेडी कह दिया। तो ये जो बातें जो है जो डेविस्टेशन होना है, जो खराबी होनी है दुनिया में न्यूक्लियर वेपन से, जो न्यूक वॉर लगना है उससे तबाही जो होनी है, जीसस ने ऑलरेडी उसके बारे में बता दिया। रेवलेशन देखते हैं, मुकाशवा की किताब चैप्टर 6 verse 15, उसमें हम देखते हैं कि ये सचमुच जो है हमारे सामने सरफराज कुछ हो रहा है। ठीक है, जो लोग घोड़े पे जाते थे आज वो रॉकेट पे सवार होके जा रहे हैं, सही बात है। जो घोड़े पे सवारी करते थे आज वो जो है स्पेस शटल में, मतलब आसमान की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी बातें जो है हमारे सामने सच हो रही है। सो आप देखिए रेवलेशन चैप्टर 6 verse 15 यहाँ यूं लिखा हुआ है अजीज बहनों भाइयों के, और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा चुके जी, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गज़ब से छुपा लो, क्योंकि उनके गज़ब का रोज़े अजीम आ पहुंचा, आएगा जब आ पहुंचा, अब आ कौन ठहर सकता है, कोई नहीं जीसस के सामने ठहर सके सकेगा। अच्छा, अब जो है पॉलिटिक्स को देख लें सरफराज, ये भी हमारे सामने साइन है, जिस तरह से तब्दीली रोज आ रही है पॉलिटिक्स में, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आज हुकूमत है कल नहीं है, आज है तो दूसरे दिन उनको गोली मार के मार दिया जाता है, पब्लिक में वो ट्रैवल कर रहा है या अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी में जा रहा है, अचानक से सड़क को ही उड़ा दिया जाता है, नीचे से ही अंडरग्राउंड से ही, तो ऐसी ऐसी चीज़ें कभी हमने, और बात खूबसूरती की बात यह है कि इंस्टेंट रिपोर्ट हमें मिल रही है एज इट इज़ हैपनिंग, बिल्कुल, और ये कितनी डराने वाली और दहशत दिल को देने वाली बात है, मतलब कि ये खबर, बल्कि जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं फौरन ही उस बात को कैप्चर करते हैं और डायरेक्टली वहाँ से आपको खबरें मिलना शुरू हो जाती है, बल्कि जो न्यूज़ चैनल इतने दिलचस्प उन्होंने बना दिए हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से कि जैसे जो कुछ हो रहा था फौरन दिखाते हैं, लोगों का पब्लिक का जो है इंटरेस्ट बढ़ता है न्यूज़ चैनल्स में भी जो है, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आगे हम देखते हैं कि जो साइंस इन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है, इज़ीकियल 35 चैप्टर 1 और उसके आगे, हाँ जी, इज़ीकियल 35 उसकी वर्स 1 हम देखते हैं, 35
क्योंकि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो दुनिया की जो, हाँ जी, इज़ीकियल 35:1 भी देख लेते हैं, हाँ जी, क्योंकि सपोज ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, ये जो हमारे सामने हो रही हैं, इनका भी होना बहुत ज़रूरी है, और इससे हमें पता चलता है कि जो जीसस का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं सपोज वो भी एक्टिव हो जाएंगे, ताकि और ये जो हम खबरें भी सुनेंगे देखेंगे उससे भी पब्लिक है जो उसको अवेयरनेस आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा काम है, जो बिलीवर हैं, हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्म करना कि जीसस वापस आ रहे हैं। जी, अपना ध्यान रखें, क्योंकि आस पास हमारे बहुत कुछ हो रहा है। आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि जो कुछ हो रहा है वो यहाँ मरकूम है, ठीक है ना। तो हम 35 आई थी जो चैप्टर है उसका फर्स्ट ही देखते हैं, 35:1 और खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद कोई कोहे शईर की तरफ मतवजा हो और उसके खिलाफ नबूत कर और उससे कह खुदा खुदा यूं फरमाता है कि देख आए कोहे शईर मैं तेरा मुखालिफ हूँ। अच्छा, इसी तरह से 36:7 भी देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ ऐसे लिखा है, हिज़कियेल की किताब है और उसका चैप्टर 36:7 है, बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैंने कसम खाई है कि यकीनन तुम्हारे आसपास की अकवाम आप ही मलामत उठाएंगी, पर तुम आए इसराइल के पहाड़ों अपनी शाखें निकालोगे और मेरी उम्मत इसराइल के लिए हल लाओगे, क्योंकि वो जल्द आने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो कौम में हैं, जो मतलब आपको पता है कि बनी इसराइल कौम को वो नहीं पसंद करती, और जो मतलब उनके नेबर्स हैं, जो सराउंडिंग नेबर्स हैं, उनको तंग करती हैं मुल्क जो हैं, लेकिन खुदा उनका कलाम फरमाता है, जो लिखा है, जो आपने अभी पढ़ा है, बड़ी ये तो फिर से पढ़ने वाली आयत है। हाँ जी, इसका असर क्या है और क्या खुदा क्यों कह रहे हैं? जी, आगे 37:21 भी देख लेते हैं हम। 37:21, हाँ जी, 21, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो जब से 1948 से जब से इसराइल मतलब आज़ाद हुआ है, उसके बाद जो है मतलब वो कोई आसपास के मुल्क उनको चैन से नहीं बैठने दे रहे, और लेकिन बाइबल क्या फरमाता है? हाँ, 37 चैप्टर हिज़कियेल 37 और वर्स उसकी 21 है, 21 शायद मैं पढ़ रहा हूँ, अज़ीज़ मेरे भाइयों, और तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं बनी इसराइल को कौमों के दरमियान से जहाँ जहाँ वो गए हैं निकाल लाऊंगा और हर तरफ से उनको फराहम करूंगा और उनको उनके मुल्क में लाऊंगा। आगे 1948 में वो आगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा निशान है कि खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। कब आएंगे? जब ये मुल्क बहाल हो जाएगा। अब देखते हैं डैनियल की किताब उसका चैप्टर 2:36, क्योंकि ये जो अगर जब तक हम रेफरेंसेस नहीं देते, हम बाइबल में से देखते नहीं, तो जो हम मुंह से जो मर्जी बोलते जाएं, लेकिन जब हम रेफरेंस के साथ देखेंगे कि बाइबल इसको कैसे बैकअप करता है, तो सारी तस्वीर जो है हमें समझ आना शुरू हो जाती है। और ये इसमें जो देखते हैं सरप्राइज, डैनियल ने जो नबूवत की ख़ास तौर पे रोमन एम्पायर के बारे में, जी जी, कि वो किस तरह से बहाल होगा, किस तरह से रिवाइव होगा, और ये देख सकते हैं कि अब जो यूरोपियन यूनियन जो बन चुकी है, तो ये समझे कि ये रिवाइव हो चुका है, ठीक है। आप पढ़ें डैनियल 2:36-41 वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हजूर बयान करता हूँ, अय बादशाह तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है, और जहाँ कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है, वो सोने का सर तो है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बरपा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी, चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीज़ों पर गालिब आता है, हाँ जिस तरह लोहा सब चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करता है कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी, और जो तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियाँ कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में तफरका होगा, मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ है उसमें लोहे की मजबूती होगी,
और क्योंकि पाउंड 39:16 पे पढ़ दें जल्दी से, क्योंकि ये जो अब बात हो रही है कि आखिरी वक्त में इस तरह से मोरे फिट होंगे, इस तरह से कंट्रीज इकट्ठी होंगी, खास तौर पे जो बाइबल स्कॉलर्स वो कहते हैं कि ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं रशिया के साथ मिलकर जो है मतलब जंग के लिए ये तैयार जो कुछ हो रहा है हमारे सामने, इस वक्त भी जो है इट्स पॉसिबल कि ये कंट्रीज जो जिनका नाम लिया जाता है कि ये बहुत मतलब precisely fit आती हैं, ये मतलब अगर describe किया जाए 39:16 में इसका 39 Ezekiel, Ezekiel हाँ जी, Ezekiel 39 चलते हैं जी भाई, बड़े ही popular ये chapter हैं 38 और 39, यहाँ Ezekiel की किताब उसका chapter 39 और उसकी verse आपने बताई जो पहली आयत से नहीं 16 आयत में यूँ लिखा है अजीज भाइयों के, और शहर भी जमीयत कहलाएगा, और शहर भी जमीयत कहलाएगा, यूं वो जमीन को पाक करेगा। ठीक है, ठीक है, ये आखिरी वक्त में जो होना है उसका साइन हमें मिलता है। अब एक और निशान हम देखेंगे कि किस तरह से जान सकते हैं कि ये आखिरी वक्त है। सरप्राइज, एक और निशान है कि रूहानी निशान हमें मिलेंगे, स्पिरिचुअल साइंस भी होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जीसस का आना इतना नज़दीक है कि इस वक्त जो है हमें बहुत सारे रूहानी निशान मिल रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस जो हमारे आसपास हैं। ठीक है, और तीन मर्तबा जो है मैथ्यू 24 में यीशु ने मतलब वापस आने का एंड ऑफ द एज कहा है, जिसे कि आखिरी वक्त में जो है झूठे नबी खड़े उठ खड़े होंगे, झूठे लोग जो होंगे कहेंगे हम क्राइस्ट हैं, हम मसीह हैं, और ऐसे ऐसे वो शोशेबाजियां कहते करेंगे, ऐसे ऐसे वो मिरेकल्स चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि वो लोग उनको ही मसीह समझ बैठेंगे, और वो लोगों को गुमराह करेंगे, बाइबल की सच्ची टीचिंग से उनको परे कर देंगे, सच्ची तालीम से अपने, हाँ, जो यहाँ लिखा कि झूठे नबी खड़े हो जाएंगे, नबी जो होता है वो नबूवत करता है, तो जब झूठा नबी होगा तो वो नबूवत भी झूठी करेगा, तो ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो झूठी नबूवतें करेंगे, और वो किस नबूवत से क्लैश करेगी, जो खुदावंद यीशु मसीह की किताब कलाम मुकद्दस में नबूवतें लिखी हुई हैं उनके साथ बिल्कुल टैली नहीं करेंगी, इसलिए क्या होगा, दुनिया में नुकसान होगा। और लोग गुमराह भी हो लिखा ना हो भी रहे हैं, ये भी एक निशान है हमारे सामने। ठीक है, तो पहला टिमोथी चैप्टर 4:1 में हम देखते हैं, क्योंकि आखिरी वक्त में है जो बहुत ही शैतान की बहुत पूजा होगी। ठीक है, इसमें जो है कहते हैं कि जैसे जादू का टोने होना और झूठे पखंडी बाबों के पास जाना, हाँ, और कहना कि हाथ पड़ने वाले सरफराज जो है और जो क्या कहते हैं कि विचक्राफ्ट करने वाले लोग, इन लोगों के पास लोग जाना पसंद करेंगे, पहले टिमोथी, और वो कहेंगे कि वही मसाया है उनके लिए, उनका सेवियर है, बचाने वाला। सो पहले टिमोथी चैप्टर 4:1 में लिखा है, लिखा है, यहाँ लिखा ही उनके लिए है स्पेशल, अपोस्टल पॉल जो है हमें बताते हैं फिर से, लेकिन रूह साफ फरमाता है, रूहुल कुद्दस आपको बहन भाई बता देते हैं, पवित्र आत्मा, रूहुल कुद्दस खुदावन आपके दिल की वो आवाज अंदर से आपको बताता कि ये कौन गलत है और कौन सही है। तो यहाँ लिखा है रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे जी। ये उन छोटे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा, ये उन झूठे झूठे लोग जो आएंगे नबूवतें करने वाले झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा, जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है, ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे, जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। और आजकल हो रहा है कि ये फूड खाओ, सही बात है, एग्जैक्टली दैट्स राइट, और क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं तालीम भी देना शुरू हो गए हैं जो बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है, बाइबल से टैली नहीं करती है, वो अपनी मन मर्जियाँ कर रहे हैं, अपने तरीके से चर्च बना रहे हैं, अपने तरीके से तालीम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी कहा गया है। और अपोस्टल पॉल इसीलिए खूबसूरती से पहले टिमोथी की किताब में लिखा कि रूह यानी कि द स्पिरिट जो है वो बताएगा। अच्छा, सेकंड टिमोथी उसका चैप्टर 4:3-4 भी अगर पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि लोग जो है अपने मतलब की बात सिर्फ लेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा कानों को सुनने के लिए उसी पे रहेंगे, और जो सच्चाई से बोलेगा, जो उनको पाकीजगी रखने के लिए कहेगा, सच्ची तालीम बताएगा, उनको झूठ बोलने से मना करेगा, गलत काम करने से मना करेगा, उसके वो खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, चौथे चैप्टर में है। हाँ जी, सॉरी, आपने सेकंड टिमोथी, हाँ जी, चैप्टर 4:3-4 क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे,
बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवजा होंगे। जो अच्छी बातें लगेंगी है ना वही सुन, कहानियां मन घड़त कहानियां लोगों को है ना दिल सहराने वाली, दिलों को दिल बहलाने वाली, कहानियां जो उनको अच्छी लगती है, बड़े तालियां आगे से बजाते हैं कहानियां सुन सुन के। तो कहते हैं कि उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवजा होंगे, मगर तू सब बातों में होशियार रह। ठीक है, तो मोती उसको कहते हैं कि तू इन सब बातों में होशियार रह, दुख उठा बशार। जब ये कि उन्होंने कहानियों से हटाकर ये कह दिया कि दुख उठा, क्योंकि वो बहलाने वाली कहानियाँ हर वक्त उनको अच्छी अच्छी बातें बनाने वाली बताने वाली कहानियाँ सुनाते हैं। तो यहाँ रखा है बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खतम को पूरा कर। तो ये सिलसिला है अजीज खानों भाइयों के खुल कर ये बात की गई है। अच्छा, फिर आगे हम अगर इसको थोड़ा सा लेके जाएं तो मतलब हम दिलासा देना चाहते हैं, क्योंकि अभी धूप भी जा रही है ऐसा ऐसा, और हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि इट्स नॉट ऑल बैड न्यूज़, गुड न्यूज़ भी है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14 में देखते हैं कि ये आखिरी ये निशान भी बहुत पूरा होगा। देखें पहले कितना मुश्किल था कि अच्छी खबर को बताना, इंजील की मनादी करना, बाइबल को प्रीच करना कितना मुश्किल था, लेकिन अब घर घर में देखें मीडिया के ज़रिए जा रहा है, कम से कम 25 से 30 जो हैं क्रिश्चियन चैनल्स चल रहे हैं जिसके ज़रिए जो है बिब्लॉस यानी कि गुड जो बाइबल गुड न्यूज़ है वो फैलाई जा रही है, यानी कि पहुँचाई जा रही है। तो ये एक अच्छा निशान जो आखिरी वक्त में होगा कि घर घर में अंजील जो है सुनाई जाएगी, ये गवाही होगी कौमों के लिए। तो सरफराज आप पढ़ें, बड़ी खुशी वाली बात है, क्योंकि बहुत मेरे ख्याल दुख की बातें हमने की, दुख की बातें इन द सेंस के बुरे हालात को का हम सामना कर ही रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जो है एक अच्छी गुड न्यूज़ है। आमीन। तो ये चैप्टर 24:14 में अजीज खान में चलते हैं। हाँ, यहाँ लिखा है और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी। ये खुशखबरी है, यस गुड न्यूज़, प्रीच होगी। हारे हुए नहीं है, खुदा के जो इवेंजलिस्ट हैं, खुदा के खादम हैं, वो ये ना समझें कि सिर्फ ये दुखों वाले चक्कर हो जाएगा, आएगा तो ये, लेकिन उस वक्त तक क्या हो जाएगा कि और बादशाही की, मैं 13वीं आयत से पढ़ता हूँ, ये स्पिरिचुअल साइन है, ये साइन है, ये गुड साइन है, अच्छा साइन है नजर आ रहा है। ये भी है कि हम जब भी कोई पेशन गोई या प्रोफेसी जो होती है, नबूवतें हैं जो हैं, इनको जब पढ़ते हैं तो अजीज बहन भाई उस पर आप गौर भी करें, उसको टैली करें कि आज क्या वो हो रहा है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है। तो अजीज बहन भाइयों लिखा है 14वीं आयत में मैथ्यू चैप्टर 24 और वर्स 14 है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, सारी दुनिया में बाइबल की बातें बताई जाएंगी। आज तो टेलीविजन के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके जरिए हर मतलब के तरीके से खुदा की मनादी पूरी दुनिया में हो रही है। इस पेशन गोई को आप 2000 साल पहले ये जो कही गई बात है खुदा यीशु मसीह के मुहे मुबारक से उन्होंने फरमाया और उन्होंने क्या कहा कि ऐसा होगा, और वैसा ही है कि बादशाह की मनाई तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। अब कौन सा शख्स है जो इंटरनेट या किसी तरीके से टीवी नहीं देखता, देख रहा और इंजील मुकद्दस को, और इसके बाद क्या होगा, और फिर खात्मा, तब खात्मा, देन एंड आएगा। जब तक आप और मैं मिलकर ग्लोरी टीवी के जरिए से या किसी मीडिया के जरिए से हम जब तक इसको फैला ना दें, और मैं तो ख्याल करता कि दुनिया में कितने परसेंट जो है, अब कुछ जो जंगलात तो उसमें नहीं होगा, लेकिन पूरी दुनिया में इंटरनेट में सब कुछ हो रहा है, और लोग खुदावंत के नाम को, जीसस को जानते हैं, और बाइबल मुकद्दस को वो पढ़ते भी हैं, और तहकीक भी हो रही है, और उनको उस पर गौर व खौल भी, और दुनिया में खुदावंत यीशु मसीह का नाम फैल कर लोग खुदावंत के पास आ रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो बहुत प्यारी नबूवत है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि खुदा के रूह की मामूरी है, होली स्पिरिट पोर आउट मतलब हो रहा है, लोगों को, कौमों को मिल रहा है, और जैसे मत्ती रसूल की इंजील में, जोएल नबी के सहीफे में, डैनियल की किताब में हमने देखा कि ये बातें जो हैं बड़ी इंटरेस्ट की बातें हैं, और हमें इन्हें ग्रैस्प करना और समझना है। ठीक है, और जो है, अच्छा एक और निशान जीसस के आने से पहले हुआ है जो हमें निशान मिल रहा है, क्योंकि जब हम निशान देखते हैं हमें सीजन्स का पता है कौन से सीजन में क्या होता है, तो ये जो स्पिरिचुअल बंदा है वो सीजन को पहचानता है। जीसस कहते हैं कि जो है एक नेचर जो है, जैसे कुदरती जो है नेचर जो है
कुदरती कहते हैं, कुदरत तभी हम कहते हैं कि नेचुरली जो हो रहे हैं, जिस तरह से दुनिया में तूफान आ रहे हैं, जिस तरह से जो बर्फ़ पिघल रही है, जिस तरह से जो है भूचाल आ रहे हैं, जिस तरह से सुनामी नेचुरल डिज़ास्टर जो आ रहे हैं, वोल्केनो फट रहा है, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो खुदा ये हमें साइन दे रहा है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। सपोज मैं देख रही थी कि शिकागो में, पता नहीं अमेरिका में एक जगह जहाँ ये जितने भी भूचाल होते हैं तो इनको रिकॉर्ड किया जाता है, चाइना में भी रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो कहते हैं कि इतनी रिचर स्केल पर आए हैं, इतने बड़े बड़े झटके इस ज़मीन को लगे हैं, कभी पहले नहीं, सेंचुरीज में नहीं लगे, इस सेंचुरी में, इस सदी में जितनी ज़्यादा शेक हुई है ये जगह ना, ज़मीन हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये डिज़ास्टर जो है इंक्रीज़ होते हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी जो है और जो है इंटेंस हो जानी है और जो गंभीर हो जानी। कैसे? जैसे एक औरत बच्चा जनने वाली होती तो उसको दर्द लगती है, तो इस ज़मीन को जो है दर्द लग गई है, कुछ होने वाला है, बिल्कुल ऐसे कुछ होने वाला है। तो जो है इसलिए खुदावंद कहता है कि ये सिर्फ दर्दें लगी हुई हैं, इस तरह से खुदावंद कहता है कि लोग जो हैं जिन जो अपनी खुदा को पुकारें, जीसस के साथ अपनी रिलेशनशिप बनाएं, अपना रिश्ता बनाएं, तौबा करें और उसके पास आएं। क्योंकि खुदावंद ये लूका रसूल की अंजील उसके 21 चैप्टर 11 में लिखा है कि आखिरी वक्त के निशानों के ग्रेट अर्थक्वेक्स आएंगे, बहुत सारे भूचाल आएंगे और जगह जगह पे आएंगे, और क्या होगा, फैमिन्स होंगे, रोटी नहीं मिलेगी, काल पड़ जाएगा, और कैसे कर टेरर होगा, और ऐसे ऐसे निशान आसमान पे दिखाए जाएंगे कि ये जीसस के आने की निशानियां होंगी। ठीक है, इसका मतलब पैम जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले होगा, सब होगा, और यही निशानियां उनके आने के लिए हमें हमारी सोच को उस तरफ मतवजा करती हैं, हमारे देखने को, हमारे चलने फिरने को, हमारे अंदर को तैयार, यानी दिल को भी तैयार करती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। क्योंकि सारी निशानियां जो दुनिया में इस वक्त भी हो रही हैं, तब्दीली आ रही है, पॉलिटिक्स की तब्दीली है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद जो कुछ भी हो रहा है, जैसे परमजीत ने फरमाया अभी, तो ये जो जब कुछ, वैसे मैं तो कहता हूँ ये सुनामी तो फिर कुछ भी नहीं है नोआ के ज़माने से, सही बात वो है। तो सबसे बड़ी सुनामी थी, सही बात है। सब कुछ ही बहा के ले गई, तो ये तो सिर्फ एक मुल्क में आया था कि जापान में ऐसा मतलब कि ये हादसा पेश आया, लेकिन नोआ के ज़माने में, खुदावंद के नबी जो नूह थे उनके ज़माने में तो पूरी दुनिया ही सुनामी के कब्ज़े में, फ्लड ऐसा आया था कि ऐसा कभी दुनिया में ना आया ना शायद आएगा, क्योंकि ये वादा है कि अब वो पानी से हलाक कम होंगे, अब आग की बात करें। ठीक अच्छा, है एक और बात है सफरज, इस सारी बातें हमने की हैं, ठीक है, और आम जो एवरेज व्यूअर है जो मतलब टीवी को देखता है, खबरों को भी देखता है, नॉलेज भी रखता है, उसको ये भी पता है कि दुनिया का आखिर होगा कुछ ना कुछ, मतलब अपने दिमाग में कुछ बना के वो सोचता ही है, तो इसके साथ साथ जो है सबसे बड़ा जो है जो खुदा का एक टाइम कह लें कि जो एक प्रोफेटिक टाइम क्लॉक है, कोई शक नहीं, और वो है बनी इसराइल को। इसराइल जो है एक बहुत बड़ा निशान है, चिन्ह, जितनी भी नबूवतें हो रही हैं, जो कुछ भी होगा ये उनके साथ टाई करता है। तो आप कहना चाहती हैं कि जो घड़ी के अंदर जो सेंटर होता है उसके ऊपर सुइयां चल रही होती हैं जी, तो वो जो सेंटर है असल में जिसके ऊपर सुइयां वक्त की चल रही हैं, वो हम उसको कह सकते हैं कि वो इसराइल, इसराइल और फ्यूचर की सुइयां हैं वो। वाह, क्योंकि जब सुई बढ़ती जाती है तो आगे वक्त तो पीछे को नहीं चलती, वो आगे को बढ़ती जाती है। तो जो इजराइल है जो, क्योंकि वो नेशन इस्टेब्लिश हो गई है, ये सबसे बड़ा निशान है हमारे लिए, ठीक है, और उसके बाद वो आगे बढ़ती जाती है, वो प्रोग्रेस ही अब करती जाएगी, ठीक है, बढ़ती ही जाएगी। तो ये हमारे लिए जो है प्रोफेटिकली ये खुदा का टाइम क्लॉक है, एक ऐसा मतलब कहते घड़ी है जिसको देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि यीशु के आने का वक्त हो गया है और आखिरी वक्त है। और खुदा यीशु मसीह ने एक बार अंजीर के दरख्त के पास से, फिग ट्री के पास से गुजर रहे थे, जब वो गुजरे तो उस पे उनको कोई कुछ नहीं फल मिला, फल नहीं मिला, तो उन्होंने क्या कहा, झिड़का उसे, झिड़का, और वो जब वापस लौट कर आए तो वो पूरे का पूरा जो पेड़ था गिर चुका था। क्या हुआ, ये एक्चुअली जीसस ने इज़राइल की जो थी एग्जाम्पल दी थी, ठीक है, क्योंकि फलदार नहीं थी, खुदा से दूर हो गई थी, मतलब अपनी दुनियादारी में लग गई थी, जो खुदा के हुक्म थे उनको नहीं मानती थी, लेकिन खुदा ने उसको बहाल, खुदा चाहे तो किसी मुर्दा में जान डाल सकता है, ठीक है, डालता है कि नहीं डालता, डाली बिल्कुल, यीशु मसीह ने मुर्दा में जान डाली, हालेलुया। तो खुदावन ने भी ये हमें एक सिंबल दिया है, इज़राइल का जो साइन दिया है कि जैसे ये जो फिग ट्री है फिर से दोबारा खड़ा हो सकता है, फिर से अंजीर इस पे मतलब फल लग सकते हैं, तो इसलिए ये फिर से ब्लॉसम हो सकता है। इसी तरह से ये गवाही है सबके लिए कि जब वो बहाल हो जाएगा इसका मतलब यीशु वापस आ रहे हैं, आमीन, जब बनी इसराइल कौम अपनी जगह पे
भी होगी अपने मुल्क में आ जाएगी, इस तरह से जैसे अंजीर का दरख्त फिर से उठ जाता है, उस पर फल लगता है, बहाल हो जाता है, इसी तरह से बनी इसराइल कौम जब बहाल हो जाएगी तो जीसस वापस आ जाएंगे। और खुदा यीशु मसीह ने एक और यरूशलेम शहर के बारे में एक नबूवत बहुत अच्छी कही, ये आपने अब लाए हैं उस तरफ अंजीर के दरख्त की तरफ, यरूशलेम फिर बहाल होगा, ये लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में कि मैं तुम्हें लगा दूंगा, तुम्हारी जड़ें जो मजबूत करूंगा। अभी सरप्राइज मैं वीकेंड पे पढ़ रही थी, बड़ी सैड न्यूज़ है कि जो टेंपल माउंट है उस पे जो उन्होंने सारा जो इंटरनेट पे चढ़ा दिया है और क्या कहते हैं कि उन्होंने अफवाह जैसे रूमर कह लें या वार्निंग दे दिया है कि अगर अगर इस जगह खाली नहीं करेंगे रमजान ख़त्म होने से पहले तो हम जो क्रिश्चियन है उनको भी हेड कर देंगे, उनको कत्ल कर देंगे। अगर कोई भी उसके आसपास नजर आया अगर अच्छा? इस जगह को वो खाली नहीं करते तो कहते हम आईसिस जो मतलब चल रहा अच्छा, है वो कहते कि हम कत्ल कर देंगे। तो मेरा मतलब ऐसी पार्टियां हैं जो ऐसे तो मेरे जो धमकियां दी हैं उन्होंने। हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो सिटी ऑफ जेरूसलम है वो फिर से बहाल होगा, लूका रसूल की अंजील उसका 21 चैप्टर और 24 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावन ने खुदा को पता है कि ये जो यहूदी लोग हैं ये डिस्पर्स पूरी दुनिया में हो गए, मतलब क्या कहते हैं स्कैटर हो गए, ठीक है, इनको बंदी कौमों ने बना लिया, कैप्टिव बनाया, अपने गुलाम बनाया, लेकिन एक दिन वो आया कि ये वापस लौट कर वहाँ आई, वो मौसम था इनका वापस लौटने का। हालेलुया, लिखा हुआ 1948 जो था इनका इनका साल था और इनका मौसम था वापस आने का, किया हुआ था। हाँ, बिल्कुल, के कैलेंडर में। और ये 70 AD के बाद ये जो था मतलब पूरा हो जैसे जीसस ने कहा था मतलब उसके बाद हुआ। तो देख सकते हैं कि लूका रसूल के अंजील, हाँ जी, उसका 21-24 सॉरी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कभी धूप जा रही है कभी आ रही है और हमारे फेसेस पे भी शेडो नज़र आपको आ रही होगी, लेकिन प्लीज़ हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हमने कोई एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हैं, लेकिन आप जो है जो बात कर रहे हैं उस पर हम अपना गौर करें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस कलाम को समझें। ये दरख्त सामने आ रहे हैं, हाँ जी, तो बस ये कि धूप छाँव का खेल हो रहा है, ये कुदरत है, लेकिन हम उस कुदरत वाले के कलाम में से पढ़ रहे हैं। अजीज बहनों भाइयों, 21 बाब है और उसकी 24 आयत हैं जी, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे। अच्छा, इसको मैं पहले से पढ़ता हूँ कि हम अगर पहली आयत आके खुल जाए, 23 आयत में से पढ़ते हैं, लूका की अंजील उसका 21 बाब यानी चैप्टर 21 वर्स 23, उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गज़ब होगा और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे, असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, जब तक गैर कौमों की मियाद, ये भी कैलेंडर है, पूरी ना टाइम टाइम पूरी टाइम ना रखा हुआ, खुदावंद ने गिनती रखी हुई है, मियाद उनका जो मियाद है कि वो टाइम टाइम टेबल है, पूरी ना हो, यरूशलम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मतलब चल रही है अभी। यसाया नबी के सहीफे में भी 35 चैप्टर में भी हमें एक बहुत खूबसूरत जो एक नबूवत मिलती है कि यानी कि जो बंजर जमीन थी ये फिर से जो है बहाल होगी, फ्लोरिश होगी। तो इस नबूवत को भी हमने फुलफिल होते हुए देखा है कि जहाँ जहाँ खुदावन के लोग रह रहे हैं वो सफराज इतनी मेहनत कर रहे हैं, खुदा ने जो है डेजर्ट को भी बहाल कर दिया है, फ्रूट की कोई कमी नहीं है, फूलों की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि ये जो पूरे मिडल ईस्ट की ब्रेड बास्केट बन चुका है इसराइल अब, कोई शक ये नबूवत भी, हाँ, यसाया नबी में जो है 35 चैप्टर में जो लिखा हुआ था वो बंजर जमीन है लेकिन वो कैसे खुदा उसे आखिरी वक्त में आखिरी दिनों में बहाल कर देगा। वाह, ये जो नज़्म लिखी गई है 35 चैप्टर पे, ये बिल्कुल एक नज़्म की तरह इसको लिखा गया कि एक शायरी है और उसके ख्याल सुने कि बहाली इसमें कैसे आएगी। लिखा है 35 चैप्टर है, 35 चैप्टर उसका वर्स 1 है, बियाबान और वीराना शादमा होंगे, जो वीराने थे ये डेजर्ट थी, दश्त खुशी करेगा और नरगस की मानद शगुफ्ता होगा। दूसरी आयत, उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी, वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा, लुबनान की शौकत और किरमल और शारून की जीनत उसे दी जाएगी, वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे।
सरफराज, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, थोड़ा सा और बाकी है हिस्सा, तो इसको जल्दी से आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ज़करायाह 12:2-3, इसको हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि जो है सारी जो कौमें हैं, जो दुनिया के लोग हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स भी जो है सरफराज, आखिरी दिनों में इसराइल के खिलाफ हो जाएगा, यानी कि उसका साथ नहीं देगा। किस लिए नहीं देगा? क्योंकि वो जो जरूशलम का बंटवारा करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स जो बनी इसराइल कौम है वो नहीं होने देगी, तो जो बाकी के मुल्क हैं वो करना चाहेंगे, उसको डिवाइड करना चाहेंगे, लेकिन ये नहीं हो, ये भी जीसस के आने का निशान होगा जब उसके लिए जो बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, कि उसके खिलाफ मंसूबे बांधे जाएंगे। ठीक है ना, उसके साथ चैप्टर हम जबूर 2 में जब पढ़ते कि उसके खिलाफ मंसूबे बांधे जाते हैं, ठीक है ना, तो ये बात 12 में पढ़ते हैं। जब हम इसराइल की बात करते हैं, फिर इसराइल के खुदा की भी बात करते हैं, खुदा इसराइल का, इसराइल खुदा का, ठीक है ना, यहोवा खुदा का। तो हम ये सारे क्यों निशान हमें मिल रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसको भी हम फिट कर दें, कि ये भी समझ लें कि ये सारे निशान क्यों हमें बता रहा है खुदा, उन कुल के सारी बातें कि ये होगा। हमने देखा कि जो लड़ाइयाँ भी लगेंगी, पॉलिटिक्स का भी बताया है, टेक्नोलॉजी का भी हमने देख लिया, फिर बनी इसराइल कौम का मतलब इस्टेब्लिश हो जाना भी देख लिया हमने, बंजर ज़मीन को बहाल भी कर दिया हमने देख लिया। अब हमने ये देखना है कि क्या उस वक्त किस तरह से क्या नेचर होगी, किस तरह का मतलब माहौल होगा कि जब यीशु वापस आ जाएगा। ये निशानी है, हाँ, इस चैप्टर में एक निशानी है। अजीज बहनों भाइयों, इसको जरूर पढ़ें। ज़करिया नबी की किताब है, उसका 12 चैप्टर है, और पहली आयत से जब ये 12 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बड़ी खूबसूरत एक निशानी मिलेगी, कि आप उस निशानी को देख कर हैरान हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ कि इसराइल की बाबत खुदाम की तरफ से बारे नबूत, खुदाम जो आसमान को तानता और ज़मीन की बुनियाद डालता और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है, यूँ फरमाता है। दूसरी आयत, देखो मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा। इससे बड़ी जो नबूवत पूरी होनी, इससे बड़ी नबूवत क्या है कि हमारे सामने आ जाए। जो भी इसराइल के साथ साथ जो भी उसके नेबर हैं, लिखा है सब इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए, जो उसके इर्द गिर्द रहते उनको लड़खड़ाहट का, इसराइल को लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा, और यरूशलेम के मुहासरा के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा, और मैं उस रोज यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बनाऊंगा। ये भी एक नबूवत है जो आज हमारे सामने नज़र आ रही है, और जो उसे उठाएंगे, जो उसे उठाने की कोशिश करेंगे, क्या होगा उनके साथ? सब घायल होंगे, और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबले जमा होंगी। सब कौमें हैं, ये सारे उसके साथ देने वाले सब कौमें, उसके थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि वो ये भी खिलाफ हो जाएंगे, उसके उसको छोड़ देंगे, अच्छा जमा होंगे। खुदाम फरमाता, मैं उस रोज़ हर घोड़े को हैरत ज़दा और उसके सवार को दीवाना कर दूंगा, लेकिन यहूदा के घराने पर निगाह रखूंगा और कौमों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा। तब यहूदा के, यानी पैम घोड़ों का, इस वक्त मुकाशवा की किताब के मुताबिक जो घोड़े हैं वो मिसाल है जो न्यू, जो हमारा जो वेपन्स न्यू जो आ रहा है, जो उसमें टैंक हैं, जिसमें और तोपे हैं, गोला बारूद है, जो नई टेक्नोलॉजी से बने हुए टेक्नोलॉजी के ये वॉरफेयर हैं, इनकी ये बात, ये घोड़ों से तशबीह दी गई है, ये घोड़े थे और अब टैंक बाग थे, उस वक्त घोड़े थे, जी जी जी, अब एरोप्लेन है, उस वक्त तीर थे, सही तो ठीक है ना। अब ये है कि घोड़े को हैरत ज़्यादा और उसके सवार को दीवाना कर दूंगा, लेकिन यहूदा के घराने पर निगाह रखूँ, कौमों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा, यानी उनका असला बिल्कुल नहीं चलेगा, यानी वो कहते फ्री सीज नहीं कर देते, जी जी जी, वो ऐसे मतलब के कई दफा हम जंगों में देखा कि वो ऊपर से गुजरते उनका जो वेपन है सारे सीज हो जाते हैं, वो चल नहीं सकते, जी जी जी, ठीक है ना, उसको तो ये लिखा है कि उनको अंधा कर दूंगा। तब यहूदा के फरमारवा दिल में कहेंगे कि यरूशलेम के बाशिंदे अपने खुदा रब्बुल अफवाज के सबब से हमारी तवानाई हैं, और यहूदा के फरमारवा दिल में कहेंगे, क्योंकि यहूदा के साथ भी ऐसे ही घराने के साथ होगा, कि यरूशलेम के बाशिंदे अपने खुदा रब्बुल अफवाज के सबब से हमारी तवानाई है। जो यरूशलेम के बाशिंदे होंगे वो यहूदा और मैं समझता हूँ कि जितना इसराइल है उसमें कबीले हैं, उनके लिए ये तवानाई बनकर ये यरूशलेम उठेगा, बहाल होगा, और खुदाम की भरतें होंगी, और जितने भी इसके अटैक जो भी करने वाले होंगे उनका जो असला वेपन है वो सीज कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन आखिर में ये बताना चाहूँगी कि वी स्टिल हैव होप,
क्योंकि अभी खुदावन यीशु मसीह मुझे और आपको वक्त दे रहे हैं कि हम तौबा करें और खुदा के पास आएं, क्योंकि खुदावन नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो, कोई भी मतलब जो यीशु की पहचान किए बगैर इस ज़मीन को छोड़ कर जाए, इस ज़मीन को अलविदा कहें। तो जो आखिरी वक्त है, इसलिए हमें दुआ करना है और पहचानना है जो साइंस हमारे सामने हो रहे हैं, अपने दिल को सख्त नहीं करना बल्कि खुदा के पास आना है और कहना है कि खुदा अगर मुझसे कोई गलती होगी मुझे माफ़ कर, मुझे अपना बेटा और बेटी बना ताकि मैं तेरे प्लान को समझ सकूं कि तू क्या करने वाला है ज़मीन को, क्योंकि एक दिन ये ज़मीन या आसमान लपेट दिया जाएगा, ऐसे ही लिखा है ना। तो लेकिन इससे पहले जीसस हमें जो है अवॉर्न कर रहे हैं, हमें साइन दे रहे हैं। तो सरफराज आखिर में अगर आप मैं ये कहता हूँ कि अजीज वो हमारे पास उम्मीद है, इसमें सब कुछ लिखा है, इसको पढ़कर हमें उम्मीद मिलती है, इसको पढ़कर हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि उम्मीद मिलती है कि फतह हमारी है और फतह खुदा की है, यहोवा खुदा की है। तो अजीज बहन भाई आइए अब दुआ करें, जो कुछ हमने पढ़ा है और जो कुछ बोला है हम उसको अमल करने वाले हों और उसको गौर खौज करके उस पर इस बात को आगे भी बताएं लोगों को कि किताबें बाइबल मुकद्दस में जो किताब हक किताब है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। खुदावंद आपके साथ हो और मैं दुआ करता हूँ तो फिर हम आपसे अलविदा लेते हैं, आपसे जो खुदा की बरकतें आपके लिए और हमारे लिए आती रहेंगी। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के बेटे और बेटियों के लिए जो इस वक्त खुदावंद इस प्रोग्राम का सुन रहे हैं, और खुदावंद ये सच्चाई का पैगाम है, सच्चा बरहक खुदा है तू और तेरा कलाम भी सच्चा और बरहक है। पर खुदा इसमें से जो कुछ हमने पढ़ा है आपके आपने कहा है तो ये बिल्कुल सच है, जो कुछ होने वाला है प्यार खुदा आपने हमें किताब के मुकद्दस में लिख कर दे दिया है ताकि खुदावंद हम इसको पढ़ सकें और खुदा तुझ पर ज़्यादा विश्वास ईमान ले आए ताकि तू हमें बचाने वाला ही बन जाए, तो हमारा निजात देता तू ही है, हमारा मुक्तिदाता हो जाए प्यार खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि तूने हमारी मुक्ति के लिए काम किया है, खुदावंद कुर्बानी दी है और हमें खुदावंद अपनी कुर्बानी के ज़रिए से बचा लिया। खुदावंद प्यार यीशु सब अजीज़ों के साथ हो, जब हम यहाँ से जाते हैं हमारे साथ हो प्यार खुदा, आपने हमारी इस दुआ को सुन लिया है, कबूल कर लिया अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस वक्त आप देख रहे थे बाइबल की नबूवत, और मुझे और सरफराज को इजाज़त दें अगले प्रोग्राम तक के लिए। तब तक के लिए सपोर्ट करना है ग्लोरी टीवी को, दुआ करनी है हमने आपके लिए और आपने हमारे लिए। गॉड ब्लेस यू। टिल नेक्स्ट टाइम, जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।